हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको जो 2 तारीख को उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में विशाल शांति धरना प्रदर्शन हुआ था, आवार अभियंता भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जिसमें विज्ञापन संख्या 28 एग्जाम अब्लिक 2016 और विज्ञापन संख्या 04 एग्जाम अब्लिक 2018 दोनों को परीक्षा कराने के लिए और उसकी डेट को देने के लिए एक विशाल धरने का आयोजन किया गया था। तो धरने के पश्चात वहाँ पर वहाँ के अधिकारियों और वहाँ के विभाग के मुख्य लोगों से एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या हुआ है उसके संबंध में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि डेट के बारे में वहाँ के क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि कब परीक्षा कराई जाएगी, कब नहीं कराई जाएगी। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस धरना प्रदर्शन से क्या क्या लाभ हुआ है और क्या क्या परीक्षा के बारे में कौन सी नई अपडेट जारी की गई है। तो देखिए कि वहाँ पर जब लोग धरना दे रहे थे तो उसके बाद वहाँ से अंदर से एक आदेश आया कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कि 5 लोगों की एक कमेटी बना करके हमारे पास भेजी जाए। तो आयोग के द्वारा कहने के अनुसार कह रहे हैं, देखिए आज आयोग में मीटिंग के बाद परीक्षा नियंत्रक ने हम 5 लोगों से भेंट की। तो उन्होंने 5 लोगों को बुलाया और उनसे भेंट की और कुछ मुख्य बिंदु उन्होंने क्या क्या बताया कि कब कब क्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले उन्होंने कहा कि इस माह जो है केवल स्टोनो का इस माह जो है केवल स्टोनो का इंटरव्यू होगा। जब स्टोनो परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है, इसका सिर्फ इस माह इंटरव्यू होगा। अगले माह फिजिकल युवा विकास का नोटिस आएगा, यानी युवा विकास कल्याण अधिकारी का अगले माह नोटिस आएगा, उसका फिजिकल होगा। जनवरी और फरवरी के बाद ASO असिस्टेंट मतलब कि मुख्य सांख्यिकी अधिकारी और उसके बाद लोअर PCS की मुख्य परीक्षा होगी जनवरी या फरवरी में। ये दोनों परीक्षाएं आयोग में प्राथमिकता में रहेंगी। मुख्य जो है 4 नंबर बिंदु पर है, JEE 2016-2018 में EWS का लोचा है, इसलिए ठंडे बस्ते में। और पांचवा है कि इस माह या दिसंबर से पहले गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट आ जाएगा। और लेखपाल PET आयोग की प्राथमिकता में अभी नहीं है, अप्रैल मई के बाद फैसला होगा। तो इसमें देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिससे यह बात का होता है, यानी समझिए कि इस माह केवल स्टोनो का इंटरव्यू होगा, अगले माह जो है जिसे आप दिसंबर कह सकते हैं, दिसंबर में केवल विकास अधिकारी का फिजिकल होगा, जनवरी फरवरी में ASO और उसके बाद लोअर PCS का मेंस होगा। इसके बाद जो हम लोग की मुख्य परीक्षा है JEE 2016-18, इसमें उन्होंने कहा कि इसमें EWS का लोचा है, यानी इसमें सरकार कह रही है कि EWS को लागू किया जाए, क्योंकि वैकेंसी 2000 पुरानी है, तब EWS का नियम नहीं आया था, इसलिए इसमें लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इन बात को लेकर के आयोग और सरकार के बीच में बात नहीं बन रही है, इसी वजह से 2016-2018 का रिजल्ट नहीं आ रहा, एग्जाम नहीं हो रहा है। यानी आप समझिए कि अगर सब कुछ देखा जाए तो फरवरी तक तो इसके बारे में कुछ नहीं होने वाला है। जो परीक्षा नियंत्रक के द्वारा दी गई जानकारी है उसके अनुसार 2016 JEE और का फरवरी मार्च तक तो कोई किसी भी आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसका एग्जाम कराया जाएगा। अब इसका एग्जाम आगे कब होगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि आयोग कह रहा है कि हम वैकेंसी इसी पर कराएंगे, लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें EWS जो है 10% जो आरक्षण हो उसको लागू किया जाए, क्योंकि वैकेंसी पहले की है इसलिए इसमें EWS लागू नहीं किया जा सकता। अगर लागू किया जाएगा तो वैकेंसी कोर्ट में जाएगी और ज़्यादा खिंचने की संभावना है। तो इस जो धरना हुआ था इसमें इस बात की जानकारी पूर्णतः हो गई है कि JEE 2016-2018 का जो है परीक्षा जो है अभी तक के जानकारी के अनुसार
अभी कोई डेट नहीं है ना ही इसकी आयोग में कोई चर्चा है। यह सिर्फ ईडब्ल्यूएस के मामले को लेकर के फंसी हुई है। अब जब तक इसका ईडब्ल्यूएस का निर्णय नहीं हो जाएगा, चूंकि सरकार चाह रही है कि इसमें ईडब्ल्यूएस लागू हो और आयोग कह रहा है कि हम लागू नहीं कर सकते हैं, यह असंवैधानिक हो जाएगा और नियम के विरुद्ध जाएगा, क्योंकि कोई वैकेंसी यदि नियम के विरुद्ध जाती है तो सीधे कोर्ट में जाएगी और वैकेंसी फिर बच जाएगी, जिससे सिर्फ नुकसान बच्चों का और आयोग का होगा। इसलिए आयोग सोच रहा है कि इसमें ईडब्ल्यूएस लागू नहीं किया जाए, लेकिन सरकार की यह मंशा है कि इसमें अधिक से अधिक ईडब्ल्यूएस लागू करके एक विशेष वर्ग के लोगों को इसका लाभ दिया जाए। तो धरने से मुख्य बात यही समझ में आई है कि अभी आपको JEE का कोई पेपर नहीं होगा और ना ही JEE कोई वैकेंसी आने वाली है। तो आप देखिए कि यही यानी 2016 2018 के बारे में कोई अपडेट नहीं है, और ये अपडेट लगभग मार्च अप्रैल तक कुछ तरह की कोई संभावना जो परीक्षा नियंत्रक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल मई तक इसे कोई संभावना नहीं है कि इसका एग्जाम हो जाएगा। सो खेल, थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।